मथुरा ब्लॉक राया पर आज प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के नेतृत्व में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीओ राया को ज्ञापन सौंपा। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि आज ब्लॉक राया पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और बीडीओ राया को ज्ञापन सौंपा है। उनकी प्रमुख मांगे है कि उनको भी अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह धनराशि मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने क्षेत्र का विकास करा सके, क्योंकि जब वह जाते हैं तो जनता उनसे विकास कार्य कराने के लिए बोलती है तो वह जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको कोई भी धनराशि नहीं मिलती है। ये बता, आज जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसको लेकर आप क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो 9 मांगे थी उसका आज हमने बीडीओ साहब को ब्लॉक में ज्ञापन दिया है। जो हमारी मांगे हैं और हमारी मांगे हमारी सरकार से, हमारी यही मतलब निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 9 मांगों में हमारा, जैसे हमारी मीटिंग के लिए हमारे 500 रुपये मिलने चाहिए हमें, और हमें निधि के लिए हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जनता भी हमें वोट देकर मतलब चुनती है, और वो सब जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे कहती है विकास कार्य के लिए, तो हम अपना बिल्कुल अपना वहाँ कुछ कह नहीं पाते, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी निधि कोई योजना नहीं है जिससे कि हम क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें। उसे लेकर आज हमने ये बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया है, और ये समस्त उत्तर प्रदेश के जो 823 ब्लॉक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आज ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, और 15 तारीख को हमारा माननीय जिला अधिकारी महोदय जी के यहाँ पर है।